हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे ऐसा क्वेश्चन जो सीपीयू में 2023 में आया हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सीपीयू 2023 मेंस में आया, ये भी मैं बात बता देता हूँ। और इत्मीनान से देखेंगे और ये जानेंगे कि जो वोकैब है, जो वर्ड है, ये वर्ड का हम यूज कैसे करें, इसी क्वेश्चन में नहीं, अदर क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये समझ आना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। जब मीनिंग समझ में आएगा तो आप इसका यूज कर पाएंगे, कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं आप, किसी भी चीज को लागू करना। ठीक है, मैं लगा देता हूँ, लिख देता हूँ, लागू करना। वेरियस का मतलब अनेकों, ठीक है। स्कीम्स का मतलब आप जानते हैं, कोई प्लानिंग की गई है। फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए, ठीक है। ऑफ मैल न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन का मतलब किसी चीज का कुपोषण होना, जैसे कि बच्चे के अंदर आयरन की कमी हो गई तो मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। आयरन है, किसी भी विटामिन है, मिनरल्स है, ये कमी होना मेल न्यूट्रिशन कहलाएगा। इन चिल्ड्रन, खासकर बच्चों की बात हो रही है, इससे हमें फाइट करनी है। ऐसी स्कीमों को लागू करना है जिससे कि मेल न्यूट्रिशन कमी ठीक हो जाए। ठीक है, रिक्वायर प्लानिंग, रिक्वायर्स मतलब जरूरतें हैं प्लानिंग की, कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब देख रेख करना, ठीक है। मॉनिटरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज की देख रेख करना, क्योंकि क्लास में मॉनिटर होता था और मॉनिटर क्या करता था, देख रेख करता था, कौन बोल रहा है, कौन बात कर रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ग्रीमेश क्या होता है, शोलेश क्या होता है, एम्ब्रेस क्या होता है, मिनेश क्या होता है। जब तक आपको यही नहीं पता है तो ये हम लिख ही नहीं सकते। लेकिन ये बात तो समझ में आ गई कि कोई मैलिट्रिशन की कमी हो रही है, उसको ठीक करने के लिए कोई चीज लागू करने की बात हो रही है। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या है। ग्रीमेज का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। मैं ये रब करता हूँ। ग्रीमेज का मतलब होता है जैसे हम जेस्चर बनाते हैं, मुंह के फेस बनाते हैं ना, उसकी बात हो रही है। जेस्चर या मुंह ऐंठना, मैं ऐसे लिख देता हूँ, मुंह ऐंठना, ये तो बस समझ में आ गई होगी, ऐसे ऐसे करना। शोलेज का मतलब क्या होता है, किसी को आश्वासन देना, किसी को सिंपैथी देना, ठीक है, या दिलासा देना। मैं लिख देता हूं, दिलासा देना, क्लियर है ना। दूसरा है एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी को गले मिलना, ठीक है, गोद में लेना। अगर इसके सिनोनिम देखोगे तो एडॉप्ट ही आएगा, लेकिन यहाँ गले मिलने से हम किसी को दिलासा कैसे देते हैं, गले मिलके देते हैं। मिनेश का मतलब होता है थ्रेट, यानी खतरा, किसी भी चीज का खतरा हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को सही से पढ़िए। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम टू फाइट, फाइट करनी है अगेंस्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन, यानी कि जो मेल न्यूट्रिशन का खतरा है उससे हमें फाइट करनी है। क्लियर, समझ में आ गया। यानी कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा तभी जाके क्लियर हो पाएंगी चीजें। तो जो मिनेश है, मिनेश यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड है, MENACE, यानी खतरा, किस चीज का, मेल न्यूट्रिशन का, किस में, बच्चों में, रिक्वायर है उसी चीज के लिए जरूरत है प्लानिंग की, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसमें और मॉनिटरिंग होना चाहिए, यानी देख रेख करना चाहिए कहाँ पर कितनी कमी है। क्लियर, समझ में आ गया। आई होप सो कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये मैं डाल दूंगा यूट्यूब पर, जाइए और यही क्वेश्चन मैं आपको कम्युनिटी में भी डालूंगा। आंसर जरूर कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, थोड़ा सा लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा और मैं आपको कर पाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।